magnetic particle inspection, or we can say magnetic particle testing, ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम किसी भी वर्क पीस या किसी भी सरफेस में क्रैक फाइंड कर सकते हैं. सो जो ये टेस्ट है ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, मतलब इसमें जो वर्क पीस है जो मेटल है उसको हम तोड़ते नहीं, उसको हम क्रैक नहीं करते, उसको हम ब्रेक नहीं करते, बल्कि विदाउट ब्रेकेज हम उसकी जो है क्रैक और उस पर टेस्ट जो है वो करते हैं. ये मैग्नेटिक इंस्पेक्शन टेस्ट से हम सरफेस में जो भी क्रैक हैं उसको फाइंड कर सकते हैं और कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटीज है. और ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हम उस चीज़ों पे भी कर सकते हैं जो रेडी है जो उसके लिए. सो फॉर एग्जांपल आपकी क्रैंक शाफ्ट पिस्टन जो रेडी है और आप उस पे टेस्ट करना चाहते हैं किसी क्रैक के लिए, उस पे भी आप ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जो है वो कर सकते हो. मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जो है वो फेरोमैटिक मटेरियल पे होता है, जैसे निकल, आयरन, कोबाल्ट एक्स्ट्रा. सो अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें इसका पूरा प्रोसेस है जो दिखाया गया है. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एक वर्क पीस है जिसमें एक क्रैक दिख रहा है. सो इस वर्क पीस के ऊपर हम ड्राई और वेट मैग्नेटिक पार्टिकल की एक लेयर अप्लाई करते हैं पूरे वर्क पीस पे. सो इससे क्या होता है, उसके बाद इस वर्क पीस के अक्रॉस हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपको एरो में दिख रही है वो आप देख सकते हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें से पास करना चालू कर देती है. अगर आपके इस किसी वर्क पीस में अगर कोई क्रैक है तो उसमें जो फ्लक्स है वो लीक होगा, जिसके कारण जो है ये फ्लक्स रिएक्ट करेगा तुम्हारे मैग्नेटिक पार्टिकल से और जो पार्टिकल्स हैं वो अकमुलेट हो जाएंगे इस क्रैक के ऊपर जो रेड आपको दिख रहा है उसमें. सो दिस इज़ द टेस्ट. जो ये टेस्ट है जो हम नॉर्मली डन करते हैं, इस टेस्ट को कहते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्ट. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना.